हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक साथ में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कोई कोई वीडियो, शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो, उस वीडियो में किसी एक जगह अगर कोई फोकस करवाना चाहता है जिसका वीडियो है, तो उसमें तीर का एक एरो आता है या फिर आइकन भी बोल सकते हो, उसमें ऐसा आइकन दिखाता रहेगा कि यहाँ पर आप फोकस करो। कुछ रहता है उस वीडियो के भाग में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऑडियंस को दिखाना चाहता है वीडियो मेकर, तो वहाँ पे तीर का आइकन ऐसे ऐसे चलता रहेगा, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे कुछ है। हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आप सबको लेकर अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किसी भी वीडियो में तीर का आइकन कैसे लगाते हैं। जैसे कोई वीडियो है और वीडियो का कुछ मुख्य भाग जो होता है, कहीं छोटा सा बिंदु, ठीक है, उसको हमको दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे आप फोकस करो। आपने देखा होगा कई कई वीडियो में ऐसा होता है कि जैसे पूरी स्क्रीन पे एक जगह उनको दर्शकों को दिखाना पड़ता है, वहाँ पे फोकस करवाना पड़ता है, तो वहाँ पे तीर का आइकन अगर हम लगा देते हैं तो जो भी ऑडियंस है वो तीर के आइकन पे ही देखती है, उसी पे फोकस होता है, तो वहाँ पे देख लेती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और दोस्तों, इसीलिए शायद लगाया जाता है तीर का आइकन जो होता है, ताकि लोग देखें वहाँ पे, नहीं तो पूरा स्क्रीन में देख रहे हैं पता ही नहीं चलेगा, जो भी कोई मुख्य भाग है जिसको आप दिखाना चाहते हो दिखेगा ही नहीं, कहीं और नज़र जाएगी उनकी। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको यही बताता हूँ कि वो तीर का आइकन किसी वीडियो में कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यू कट एक ऐप होता है वीडियो एडिटिंग, उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने देखो किया है, तो मैं इस पर टैप करता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे एक वीडियो लेना है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक वीडियो ले लेता हूँ, एक वीडियो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैं अपना ही वीडियो एक ले लेता हूँ, ये ठीक है, ये वीडियो देखो मैंने ले लिया है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मेरी वीडियो है, तो यहाँ पर आपको दिखाना है किसी को, या फिर जो पीछे देख रहा हो रोड जो है, रोड सड़क, वो जहाँ ख़त्म होती है वहाँ कुछ है, ठीक है, वहाँ पे कुछ है, तो अभी किसी को दिखाना है कि वहाँ पे देखो, वहाँ पे फोकस करो। तो तीर का आइकन कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये देखो दोस्तों, एरो, ठीक है, एरो यहाँ पर आ चुका है, मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर एरो आ चुका है। अब कौन सा आपको पसंद है आप देख लो, तो मुझे ये लाल वाला पसंद है, ठीक है, ये लाल वाला देख रहे हो ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये इसको थोड़ा सा हम कर देंगे छोटा, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, मेरा लग चुका है, और मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, देख लो। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जैसे कि वीडियो तो है 15 सेकंड की या 20 सेकंड की, तो अगर आपको ये तीर का आइकन या फिर एरो, एरो भी कहते हैं लोग, अगर इसको लंबा भी करना है वीडियो को इतना बड़ा, ठीक है, तो आप कर सकते हो इधर से खिसका के, ठीक है, अन्यथा छोटा भी रखोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं है। जैसे मान लो कि हमको 2 सेकंड का ही रखना है, तो इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे कटिंग पे जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे। देखो इतना ही रहेगा, उसके बाद हट जाएगा ये, ठीक है। अब देखो प्ले करते हैं तो यहाँ पे ये दिखाएगा, ये देखो दोस्तों हिल भी रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह आप एरो, तीर का आइकन जो भी बोलते हैं लोग, इसे किसी भी वीडियो में जो मुख्य केंद्र होता है, जहाँ पे दिखाना रहता है, जहाँ पे फोकस करना रहता है, आप कैसे लगा सकते हैं, ठीक इसी तरह लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है।